हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। रेजोनेट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। एकदम हैप्पी रहें। यहाँ पे जैसे कि स्प्रिट योर विंग्स है, जो कि ये शो करता है कि आपके क्रश आपका दिल से स्वागत करना चाहते हैं। जो भी है इस रिलेशनशिप में रुकी हुई सिचुएशन, अब जो कि इनको ठीक करनी है, इस वक्त वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये अपने फोकस को जैसे कि हटा रहे हैं, जहाँ पर भी अगर ये आपके आपके जो भी क्रश है इनका फोकस आपसे हट चुका था, तो ये जो कि अपना फोकस आपकी तरफ लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली चांसेस है बहुत जल्दी जो कि आपको इनकी तरफ से एक्शन आने का। ठीक है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे जैसे कि एम्ब्रेस का कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो। ये पर्सन जैसे कि खुली हाथों से आपका स्वागत कर रहा है, ये आप जो कि आपके पास आने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पहले जैसे कि इनको एक क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बात के ऊपर भरोसा नहीं था कि पता नहीं कि सही कर रहा हो कि गलत, और जो कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। तो अब जो कि इनको ऐसा है कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, जो है मुझे करंट में जीना है, करंट में मुझे खुशियाँ चाहिए, और जो कि खुशियाँ इनको आपके साथ दिखती है, तो यस, अब जो कि मुझे मेरी खुशियाँ चाहिए, और जो कि अगर तू ही मुझे मेरी खुशियाँ दे सकती है, तो यस, मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगा। या आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर जो डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने आने लगे हैं, और इसी वजह से जो कि यहाँ पे देखो डे ड्रीमिंग्स एंड डिसीजन से 24/7 आपको सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, इसी वजह से जो कि दिन भर सोचने की वजह से और रात को सोते टाइम भी सोचने की वजह से इनके सपनों में आप बहुत ज़्यादा जाते हो। तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कनेक्शन है कि इतनी मेरी सपनों में आती रहती है, ऐसा मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मतलब कि ना तो मैं काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, कहीं पे भी अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, इसी वजह से जो कि सबसे पहले मुझे अगर मैं वहाँ पे 100% नहीं दे पा रहा हूँ, जो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में जो चाहिए वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे मेरा फोकस हटाना चाहिए और जो कि आपके ऊपर लाना चाहिए, इसलिए जो कि मुझे मेरे सपने सच करने हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है आपके पास आने का। आपके जो भी क्रश है स्ट्रॉन्गली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के हो सकते हैं। यहाँ पे अवेटिंग रिजल्ट्स, इन्होंने ऐसा कुछ करके रखा है अपनी ज़िंदगी में जिसका रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार इनका रिजल्ट आ जाए तो फिर जो कि आपके लिए एक्शन ले लेंगे, और जो कि रिजल्ट को लेके पॉजिटिव है। हो सकता है कि इन्होंने कोई एग्ज़ाम दी है, या फिर कहीं पे आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कोई वीज़ा का अप्लाई किया है, या तो इनका प्रमोशन होने वाला है, कहीं पे ट्रांसफ़र होने वाला है, ऐसा कुछ है जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। पॉजिटिव है अपने रिजल्ट को लेके। एक बार मेरा रिजल्ट आ जाए, जो कि मुझे पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि यस ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, तो जो कि मैं इसके पास जाने के लिए एक्शन ले सकता हूँ, ये इस तरह से सोच रहे हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं, क्योंकि ये जिससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो वो पर्सन इनको डायरेक्टली मना कर देता है, जैसे कि देखना नहीं चाहता इनको आपके साथ। हो सकता है आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ देखते हुए बहुत ज़्यादा जलता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पसंद करता है, या तो आपके क्रश को पसंद करता है, जो कि उसकी बुरी नज़र आपके इस रिश्ते को लगी है। आपके क्रश बहुत ज़्यादा पास में जाके सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, तब तब दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ रही है। डेफिनेटली किसी की बुरी नज़र लगी है, पास में जाके सोच रहे हैं डेफिनेटली, और ये पास में जाके सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन हो सकता है। इनको ये वाइब्रेशंस आते हैं, नेगेटिविटी इनके अंदर बढ़ जाती है, मिडनाइट में इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कुछ तो है मेरे आसपास जो कि नेगेटिव है, जो कि अच्छा नहीं है। ये जो कि दिल से आपके पास आने के लिए है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव है, पैशनेट है, और किसी से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कि इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा। ओके,
इसी वजह से जो कि अब जो भी करना है मुझे करना होगा, एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद जो कि आपके लिए एक्शन ले लेंगे। इनकी तरफ से एक्शन आने में आपको 2 हफ्ते या 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवेटिंग रिजल्ट्स है। अगर कोई एग्ज़ाम दी है तो आने में 1-2 महीने लग जाएंगे रिजल्ट्स। अगर कहीं पे जाना है तो सब कुछ सैंक्शन होने में, पास होने में उनको 1-2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। इनका जो भी काम है वो काम होने में 1-2 महीने लगने वाले हैं, लेकिन वो काम पॉजिटिव ही होगा, इस बात के ऊपर इनका भरोसा है। उसके बाद जो कि आपके लिए एक्शन ले लेंगे, इस तरह से हैं। तो इसी वजह से अगर इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो ये आपका गुस्सा ठंडा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको कोई हेल्प नहीं करता है, इसी वजह से सैड एनर्जीज में है। यहाँ पे जैसे कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको अकेला नहीं फील करना है, फीलिंग अलोन, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, मैं भी बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका हूँ। अगर तुझे लगता है कि तेरे बिना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो ये नहीं है, मैं आना चाहता हूँ तेरे पास लेकिन ये सही समय मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यस मैंने तेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तो इसलिए मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे मिल चुकी है और जो कि अब मुझे और ये पेन नहीं झेलना है। यहाँ पे मैं बैलेंस, यहाँ पे जैसे कि बैलेंस का कार्ड है जो ये शो करता है कि इनकी जैसे कि मेल फीमेल साइड बैलेंस्ड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लड़का और लड़की, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल, 50-50% इनका बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से जो कि इन्होंने अगर आपको पहले हर्ट किया था ना उसका पेन ये महसूस कर पा रहे हो, जो कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने कि आपको इस तरह से मतलब कि दुख आया, ठीक है, क्योंकि ये तो सच में आपसे कनेक्शन फील करते हैं तो क्यों मैंने ऐसा किया, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, लेकिन दिल से ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक करने वाला हूँ, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता हूँ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्स का आपको गाइडेंस है, ब्लॉसम, यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली है, आपके यही क्रश आपके ब्लेसिंग्स बन के आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, ऐसे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर से 18, 8, 14, 27, 21 आपके आपके क्रश के बर्थडेट्स हो सकते हैं, नंबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।